वाराणसी के मिर्जा मुराद समाज सेवी संस्था देव एक्सल फाउंडेशन की ओर से विगत वर्ष की तरह इस वर्ष भी आराजी लाइन क्षेत्र के ग्राम डंगहरिया में कंबल वितरण किया गया। इस वर्ष इस अवसर पर फाउंडेशन के विनय सिंह ने गाँव वासियों को आश्वस्त किया कि यदि जरूरतमंद लोगों को क्षेत्र में कभी भी किसी भी ग्रामीण को यदि अन्य सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है तो फाउंडेशन और उसके साथ ही हमेशा इसका इसमें साथ देंगे। फाउंडेशन के विनय ने संस्था की ओर से कंबलों के वितरण को एक ऐसा कदम बताया जिससे प्रभावित होकर आज क्षेत्र की कई संस्थाएं दूरस्थ ग्रामों में जाकर अब जरूरतमंदों को कपड़े कंबल का वितरण करने जा रही हैं, साथ ही अपने ढंग की और दूसरी चीज़ों की मदद कर रहे हैं। यह बड़ी खुशी की बात है। मनरेगा मजदूर यूनियन के महेंद्र राठौर ने फाउंडेशन के कार्यक्रमों का सफल संचालन करने के लिए जिम्मेदारी लेते हैं। ने कहा कि हमारी यह संस्था ऐसी जगह पर जाने की कोशिश करती है जहां पर अमूमन लोग या तो पहुंच नहीं पाते या फिर जाना नहीं चाहते। कार्यक्रम में समाज सेवी राजकुमार गुप्ता ने बताया कि हम लोग यह कार्यक्रम जो विगत कई वर्षों से करते आ रहे हैं, कभी हमने किसी से कोई पैसा नहीं लिया है, इसे हमने आज तक अपने ही सामर्थ्य से चलाया है। कंबल संस्था खरीदती है जिसकी व्यय लोगों के सहयोग से प्राप्त हो जाते हैं और पहुँच विहीन क्षेत्रों के लोग इन्हीं चीज़ों से अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। इस अवसर पर विनय सिंह, राजकुमार गुप्ता, महेंद्र राठौर, मनोज राठौर, पप्पू बरसाती, मुन्नी देवी, इंद्रावती, सुदामा, कलावती, चंपा आदि उपस्थित रहे। आइए देखते हैं यूपी के वाराणसी से हमारे संवाददाता राजकुमार गुप्ता की खास रिपोर्ट। इस समय हम पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में हैं, उस इलाके में, उस क्षेत्र में हैं जहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव है और मौसम अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। सरकारी मदद तो अभी लोगों के बीच नहीं पहुंचा, लेकिन कुछ युवक स्वयंसेवी संस्थाओं के गांव में दलित वंचित शोषित समाज के बीच जाकर ठंड से राहत देने के लिए कंबल वितरण का कार्यक्रम चलाए हैं। लगभग कई लोगों को कंबल बांटा जा चुका है। हमारे बीच जुड़ रहे हैं देव एक्सल फाउंडेशन के विनय जी, हम उनसे बात करते हैं। यह कार्यक्रम यहाँ पहला है कि इसके बाद भी कहीं कार्यक्रम चलेगा और किस तरह से आप ये सुविधाएं यहाँ तक पहुँचा रहे हैं? विनय जी बताएं जरा हमको, ये कंबल वितरण बनारस का ये पहला क्षेत्र है कि अभी और कहीं कंबल नहीं? इससे पहले बनारस शिवकुमा क्षेत्र में बांटा गया है। अच्छा, और यहाँ हम पहले आए थे तो हमको पता चला कि यहाँ पे मतलब अभाव है, लोगों को कंबल की ज़रूरत है, तो हमको टोटल कल हमको भी मतलब कुछ ही लोगों का बताया गया था। अभी अब जो लोग बच गए हैं उनको हम दो तीन दिनों में। हमें यह बताइए कंबल कहाँ से प्राप्त होता है? इसमें कोई सरकारी वो नहीं है, हम लोग आपस में कुछ मतलब संगठन, सामाजिक संगठन हैं, वो लोग आपस में पैसे जुटा के वो लोग ही। जन सहयोग से कंबल बांटा जा रहा है आपका कहना है? हमारे बीच मनरेगा यूनियन के साथी महेंद्र राठौर जी है, स्थानीय स्तर पे इन्होंने काम किया है और लगातार इनका संगठन गरीबों वंचितों के लिए काम करता है। हम इनसे बात कर रहे हैं कि अभी इस तरह के वंचित समुदाय के कितने लोग हैं जहां तक कि कंबल पहुंचने से उनको ठंड से राहत मिल सकता है? राजकुमार जी, अभी तो हम लोग पहले चरण में हैं और सबसे आरजीलैंड ब्लॉक का हम सबसे गरीब तबका इस गांव को मानते हैं, इस वर्ग को मानते हैं। तो आज देव अक्सल फाउंडेशन बनारस के सहयोग से आज हम लोग 20 महिलाओं को आज हमने कंबल दिया है और आने वाले समय में हम प्रयास करेंगे कि लोगों के जन सहयोग से मांग के और भी जो गरीब मजदूर जो छूटे हुए हैं उनके बीच में ठंड से राहत पहुंचाने के लिए कुछ कंबल वितरण कर सके। अब हम बात करते हैं सरकारी महकमों की। स्कूलों में स्वेटर वितरण अभी लगभग 40% से अधिक नहीं हो पाया है। अभी भी तहसीलों के तरफ से अलाव का और कंबल का कोई इंतजाम नहीं हो पाया है। ठंड अपना रूप दिखा दिया है, शीतलहरी चलना शुरू हो गया है। ऐसे में ये जो कार्य कर रहे हैं पुनित कार्य, ये इनका कर्तव्य है, ये किसी के एहसान नहीं है। कहीं ना कहीं जन सहयोग से सामाजिक सोच रखने वाले युवा तारीफ के काबिल है। हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से भी अपील कर रहे हैं, जरूरतमंदों की सेवा ही परमात्मा का
इबादत है और कहीं ना कहीं आप लोग भी इस तरह के रचनात्मक सृजनात्मक कार्यों में इन संगठनों का इन युवाओं का साथ दें, सहयोग दें और कंबल के अलावा बहुत सारी जरूरत की चीज़ें हैं इनको उपलब्ध कराएं। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि हमारा नया वीडियो आने वाला आपको जल्द से जल्द मिल जाए और हमारे बेल आइकन को टैप करना ना भूलें।